मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन रियल ले लीजिए और डबल वर्ड का एड्रेस ले लीजिए, यहाँ से MD4 ले लिया एंड यहाँ से MD8 ले लीजिए। इसको यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और फिर आप देखेंगे इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। यहाँ देखिए MD0 पे आप 1.5 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2.6, तो यहाँ से जैसे जीरो नंबर इनपुट देंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 2.6 रिजल्ट आपके पास सामने आ गया। इसी तरीके से अगर आप कोई और भी वैल्यू मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1.2 एंड 2.6 मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखना चाहते हैं, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इस तरीके से अगर कोई भी और भी वैल्यू है आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं, आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। इस तरीके से पॉइंट वैल्यू मल्टीप्लाई होके आपके पास आ गई। इसी तरीके से अगर आपको एग्जैक्ट डिवाइड करने के बाद वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिवाइड रियल, और यहाँ पर देखेंगे MD ये मेरा 8 हो गया, और इसको यहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं चाहता हूँ 5 वैल्यू जो है 5.0 वैल्यू 2 से डिवाइड हो तो रिजल्ट क्या आएगा। जैसे ही मैंने इनपुट दिया तो देखिए रिजल्ट 2.5 आ गया एग्जैक्टली। अगर आपने इंटीजर फंक्शन वाले ब्लॉग देखे थे तो उसमें होता क्या था कि राउंड ऑफ वैल्यू रिजल्ट आता था, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आपकी जनरेट होके आएगी। अगर आप चाहते हैं और भी कोई टिपिकल वैल्यू, आप जैसे 2.5 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ जैसे सिग्नल जैसे इनपुट देंगे देखिए रिजल्ट आपके सामने आ गया। अगर आप चाहते हैं 3.5 में डिवाइडेड बाय 2 हो जाए तो यहाँ देखेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आ गया जनरेट होके। तो इस तरीके से ये बहुत एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए हम लोग डिवाइड ये रियल यूज करते हैं। देन आता है यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जैसे ये मेरा इनपुट है यहाँ पे MD0, इसके लिए भी रियल एड्रेस देंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपके पास यहाँ से जनरेट होके जाएगी। ये देखिए किस तरीके से होती है यहाँ पे वैल्यू। ये देखिए अभी क्योंकि मैं 4 यूज कर रहा हूँ तो 4 ले लेते हैं। जैसे मैंने -3.2 ले लिया एंटर किया, जैसे मैं इनपुट दूंगा तो यहाँ देखिए 3.2 आ गया, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जनरेट होके आ गई। अगर मैं प्लस में 6.3 दूंगा तो सारा प्लस माइनस जो भी है वो सब हट जाएगा। 3.6 ले लिया, या मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ +3.6 ले लिया एंटर, और यहाँ से देखेंगे ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी जनरेट होके आएगी। -9.2 ले लिया, देन यहाँ से देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू जनरेट होके आ गई। राइट, नेक्स्ट हमारा आता है, ये है एब्सोल्यूट ब्लॉक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या, वैल्यू को स्क्वायर रूट करना। MD0 एंड यहाँ से मैंने क्या किया MD4 ले लिया, तो मुझे क्या करना है स्क्वायर रूट करना है। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपको क्लियर है, बट आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ले लिया, 3 मैंने एंटर किया, यहाँ पे 3 आ गया होगा MD0 पे, रिजल्ट 4 पे आएगा। जैसे इनपुट दूंगा तो देखिए ये स्क्वायर रूट जनरेट होके आ गया। जैसे यहाँ पे 1.732 आ गया। अगर आप चेंज करके देखना, जैसे 2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पे जैसे इनपुट देंगे देखिए 2 का स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरीके से आपको 4 का स्क्वायर रूट चाहिए तो 4 का हमारा स्क्वायर रूट 2 होके आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 बन के आता है। तो इस तरीके से हमारा स्क्वायर रूट इंस्ट्रक्शन हमने यूज किया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करना, अगर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर आपको देखना है रियल, तो आप ये देख सकते हैं। इसमें भी डबल वर्ड का एड्रेस हमारा यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आप मॉनिटर मोड पे चले जाइए, यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर रूट करना। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को 2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए इनपुट प्रेस करेंगे, रिजल्ट आ गया 4 2 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 आ गया। इसी तरीके से आप 6 का चाहते हैं स्क्वायर रूट निकालना, तो देखिए यहाँ पे 36 आ गया, तो ये स्क्वायर हो गया और दूसरा था स्क्वायर रूट। राइट, इस तरीके से ये ब्लॉक हमने यूज किया। इसी तरीके से आप यहाँ से देखिए यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, साइन वैल्यूज कैलकुलेट करना, कॉस टेन करना, देन आर्क साइन करना, आर्क कॉस करना, देन आर्क टेंजेंट। इस तरीके से ये सारे ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू जैसे यहाँ पे ऐड किया रिजल्ट, अब मैं आपको फ्लोटिंग वैल्यू से अगर कोई आउटपुट लेना है तो आप कैसे लेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे रिजल्ट हमारा 8 पे आ गया, अब आप चाहते हैं कि दोनों वैल्यू ऐड होके अगर ग्रेटर देन 10.5 होती है तो मेरा एक आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो कंपैरेटर में हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, तो कंपैरेटर में मैं ग्रेटर देन इक्वल रियल ले लेता हूँ, तो रिजल्ट आएगा एम 8 पे निकल के, और यहाँ पे फिक्स कर दिया 10.5 वैल्यू। जैसे ही ग्रेटर देन होगी 10.5 वैल्यू तो मेरे पास रिजल्ट आ जाए। तो अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं ले रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस ले लेंगे
और एड्रेस को बाद में आप रिनेम कर सकते हैं। तो ये वाला जो आउटपुट मेरा बनेगा ग्रेटर देन जब 10.5 होगा तो बनेगा। तो एक बार इसको डाउनलोड करके वैल्यू कैसे फीड करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, MD0 MD4 रिजल्ट हमारा 8 पे आएगा। एक और इंसर्ट कर लेंगे बिट मेमोरी, ये मेरा MD12 हो जाएगा। MD12 पे आप रियल वैल्यू पहले फीड कर लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर रियल वैल्यू दे दिया, 10.5 से ज्यादा होगा तभी रिजल्ट मेरा जनरेट होके आएगा। अब आप यहाँ से MD, यहाँ पे मैंने 10.1 ले लिया MD0, यहाँ से ये MD0 MD4 और MD8 देन MD12 हो गया। उसका देखिए MD4 पे आप यहाँ से वैल्यू दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1.2। उसके बाद आप जैसे ही इनपुट प्रेस करेंगे आप देखेंगे 10.1 1.2 ग्रेटर देन ये हो गया। जैसे ही 10.5 से ग्रेटर देन हुआ आउटपुट आ गया। लेट से ये मैंने थोड़ा कम किया 1.3 कर दिया, उसके बाद जैसे ही इनपुट दिया तो ये वैल्यू क्या होगी 2.5 रिजल्ट एड होके आया, बट इट इज नॉट ग्रेटर देन 10.5, 2.5 ज्यादा नहीं है। तो देखिए आउटपुट मेरा बंद हो गया। जैसे ये ज्यादा हो जाएगा वैल्यू तो मेरा क्या होगा, मेरा आउटपुट जनरेट होके आ जाएगा। तो अगर आप रियल नंबर वाले पॉइंट्स यूज कर रहे हैं तो उसके इसके लिए रियल कंपैरेटर आपको यूज करने होंगे। इस तरीके से आपने आज देखा कि फ्लोटिंग पॉइंट्स हमारे रियल वाले हैं, पॉइंट्स में वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और प्रीवियस वीडियोज भी पसंद आ रहे होंगे, तो इनका यूज करके आप देख के वीडियोज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, इसी तरीके से लगातार चैनल को फॉलो करते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगली वीडियोज भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, इसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई